यहाँ से बाहर निकालो, जाने दो मुझे। रुको रुको रुको, कैसे हो प्यारे मोगली? मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कब तुम जागोगी। अच्छा, तो तुम हो। मुझे इस तरह से बंद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। छोड़ दो मुझे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बेकार की बातें मत करो बच्चे। जब तक तुम लोहे की सलाखों में कैद हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही तड़पते रहोगे। इस बार तुम नहीं भाग सकते मोगली। अब चलो, हमें देर हो रही है, समय पर पहुँचना है। ललन, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ से मुंबई जाने का रास्ता शुरू होता है, टोनी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये टोनी कौन है? अभी तुम उसे नहीं जानते, मुंबई में सर्कस चलाता है वो। बॉम्बे का सर्कस? ये सर्कस क्या होता है? तुम उसके बारे में नहीं जानते, जंगल में तो सर्कस होता ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ सर्कस क्या होता है। सर्कस में अजीबो गरीब जानवर करतब दिखाते हैं, वो भी एक तंबू के नीचे। है ना कमाल की बात? और जो सबसे बड़ा सर्कस है वो है मुंबई में। अजीबो गरीब सर्कस होता है। आके छोटे से गोले से शेर कूदता है, दूसरे जानवर करतब दिखाते हैं और हंसाने के लिए जोकर होते हैं। एक पतली सी रस्सी पर लड़कियां चलती हैं, हवा में झूलते हैं लड़के और लड़कियां, और भी बहुत कुछ दिखाई देता है वहाँ जो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन मुझे सर्कस बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा मत बोलो बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं सर्कस में बेचने जा रहा हूँ। तुम दोनों जरा रफ्तार बढ़ाओ अपनी, अगर टोनी को गुस्सा आ गया तो वहाँ से चला जाएगा और हमें इस जंगली लड़के को बेचने की फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चलो जल्दी। मोगली को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ होगा वो? वो अभी तक राजनगर में ही होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो किची? ऐसा मत कहो बलू, वो राधा को ढूंढते हुए वहीं गया होगा, और कहाँ जाएगा? अब मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी चिंता है वहाँ किसी मुसीबत में न फंस गया हो। ठीक कहते हो बलू, मोगली किसी मुसीबत में हो सकता है, लेकिन वो मजबूर नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो कितना होशियार है। बलू, हमने उसे सिखाया है, वो तो बहुत समझदार है। और कीची, तुम तो उसके साथ ही रहते हो, तुम्हें उसकी काबिलियत पर यकीन करना चाहिए। कैसी बात करते हो बघीरा, वो अभी तक बच्चा है। ओह, ये सच है कि वो बच्चा है, लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर मनुष्य से उलझ गया तो उसकी ताकत किसी काम की नहीं। कीची ठीक कहता है, मनुष्य बहुत खतरनाक प्राणी है। हो सकता है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मोगली खुद एक मनुष्य है। उसका दिमाग मनुष्य का है, लेकिन है हमारे जैसा, उसे कुछ नहीं होगा। सही कहा। लेकिन इसके बावजूद चिंता तो मुझे भी है। टोनी जी नमस्कार। ललन, तुमने बहुत देर कर दी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, आप जानते नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए थे। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ललन, अब बहाने मत बनाओ। ओह, तो ये है तुम्हारा जंगली लड़का। कैसा लगा आपको जंगली लड़का? अभी जंगल से आया है। ओह, उसमें कोई खास दम नहीं है ललन, इससे ज्यादा खौफनाक हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं। बेवकूफ मत बनाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जो इस लड़के के बारे में बताया वो बिल्कुल सच है। मैंने इसे अपनी आँखों से कमाल के करतब करते हुए देखा है, मेरा यकीन कीजिए, सच कह रहा हूँ मैं। ठीक है ललन, बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता ये लड़का सर्कस में हमारे किसी काम का होगा। मैं तुम्हें जबान दे चुका हूँ, इसीलिए इसे खरीद रहा हूँ। ये लो पैसे। शुक्रिया टोनी। तुम दोनों इस पिंजरे को गाड़ी में रखवाओ, जरा ध्यान से। ठीक है। परेशान लग रहे हो मोगली, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो आराम से बिताता। 3 दिन का है रास्ता मुंबई का। ये लोहे की सलाखें हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है मोगली। हाँ संभल कर, अच्छी तरह, ध्यान से, धीरे।
अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, टोनी बहुत गुस्से वाला आदमी है और उसके पास बंदूक भी है, बिल्कुल विदेशी है। अलविदा मोगली, तुम्हारे मिलने से हमारी मुसीबतें दूर हो गई। अब चलो। ए भोको मत, अभी तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, समझे? चलो। हे जंगली लड़के, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पीछे? हे जंगली लड़का, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं? तुम बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। हाँ मोगली, तुम भाग निकलोगे, तुम दोबारा आजाद हो जाओगे। तुम्हें धीरज रखना होगा, जिन्होंने तुम्हें पकड़ा है उनके पास बंदूकें हैं। सही मौके का इंतजार करो, जब तुम्हारे पास सही मौका होगा तो सोचना मत, बस भागना। मोगली, तुम बहादुर मोती के बेटे हो, भेड़ियों का महान नेता। तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा, जो तुमने बलू और बघीरा से सीखा है। सही मौके का इंतजार करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम मेरे बेटे हो मोगली, तुम जरूर जीतोगे। अगर ये लड़का सर्कस में हमारे किसी और काम न आया तो घोड़ों का अस्तबल तो साफ कर ही सकता है। देखे ये लड़का कर क्या रहा है। हे जंगली लड़का, जंगली लड़का, तुम क्या कर रहा है उधर? ललन तो बोला तुम बहुत चालाक लड़का है, लगता तो नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं जंगली लड़का, कोई बात नहीं, एक बार सौदा हो गया तो हो गया। हम तुमको सर्कस में ले जाएगा और वहाँ पे तुमसे घोड़े का अस्तबल साफ करवाएगा, हाथियों को पानी पिलवाएगा तुमसे। और तुम हमारा कोई काम का नहीं जंगली लड़का, लेकिन हम पहले तुम्हारा हुलिया ठीक करेगा।
तुमको नहलाएगा, धुलाएगा, तुम्हारा बाल कटवाएगा और फिर तुमसे काम करवाएगा। ये क्या, ये लोहे की सलाख यहाँ क्या कर रही है? शायद कुत्तों ने खेलते हुए छोड़ दिया होगा यहाँ। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस रख देता हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, लगता है सो जाना चाहिए। ये शोर कैसा? ये कुत्ते भाग क्यों रहे हैं? लगता है खरगोश पकड़ लिया होगा। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। रुक जा लड़के, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हे लड़के, मैं तीन तक गिनेगा और अगर तब तक तुम मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक, टोनी! ये नहीं मेरी बंदूक। ढूंढ लो अपनी बंदूक। कुछ पकड़ो उस बदमाश को। अच्छा, अब तुम नहीं बचोगे जंगली लड़के। कुत्तों मारो इसे। Oh, my God.
तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है लड़के। ललन बिल्कुल ठीक कहता था, ये लड़का जानवर है। अब बचो। ये लड़का सच में बहुत चालाक है। पैसे पानी में गए। अब मैं आजाद हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। राजनगर तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। काश एक बार राधा को देख पाता तो कितना अच्छा होता। काश इन गलियों में मुझे राधा दिख जाए। हाँ राधा, राधा देखो मैं हूँ मोगली। अच्छा फिर भी लेंगे मोगली, अपना ख्याल रखना, सावधान रहना। हम जरूर मिलेंगे। मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता।